મિત્રો આપ જોઈ રહ્યા છો સ્પીડ ન્યૂઝ 17 ડિજિટલ લાઈવ હું છું આપની ચૈતી એન્કર પાયલ બામણિયા સ્પીડ ન્યૂઝ 17 ડિજિટલ લાઈવ માં આપનું સ્વાગત છે તો જોઈએ આજના મહત્વના સમાચારમાં લાઈક કરો શેર કરો સબસ્ક્રાઇબ કરો સ્પીડ ન્યૂઝ 17 ડિજિટલ લાઈવ હરમે સત્યની સાથે दिल्ली के इंद्रलोक इलाके में कोरोना गाइडलाइन की उड़ी धजिया, पुलिस ने कराया साप्ताहिक बाजारों को बंद। जब हमने क्षेत्र के निगम पार्षद से बात किया तो उनको नहीं पता था कि यह साप्ताहिक बाजार की परमिशन से खुला है या नहीं। कोरोना काल में यहाँ जहाँ कोरोना संक्रमण की रफ्तार घाटी है तो दिल्ली सरकार ने अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की और कोरोना गाइडलाइन के हिसाब से बाजारों को खोलने की परमिशन दी। पर अभी साप्ताहिक बाजारों को खोलने की परमिशन है मगर एक जोन पर एक ही बाजार खुलेगा, लेकिन एमईसी की अनुमति के साथ और कुछ इलाकों में मिली भगत से साप्ताहिक बाजार लगना शुरू हो गई है। और ऐसे एक बाजार में जमकर भीड़ दिखी और कोरोना गाइडलाइन की उड़ी धजिया। दिल्ली में लॉकडाउन के बाद दिल्ली सरकार ने अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की और बाजारों को खोलने की परमिशन भी दी गई। पर कोरोना गाइडलाइन के मद्देनज़र यानी बाजारों में भीड़ नहीं होनी चाहिए और साप्ताहिक बाजारों को परमिशन नहीं मिली है। वहीं दिल्ली के इंद्रलोक इलाकों में साप्ताहिक बाजार लगाई जा रही है और कई गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहा है। और जैसे ही पुलिस को पता चला कि मीडिया इंद्रलोक इलाके के साप्ताहिक बाजार में है, पुलिस मौके पर पहुंच गई और तुरंत ही बाजार को बंद कराया गया और कोरोना गाइडलाइन के हिसाब से चलने के लिए कहा गया। पुलिस को देखते ही बाजार के दुकानदार ने भागना शुरू किया और दुकानों बंद भी की गया। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो बाजारों में भीड़ ऐसे ही होती रहेगी तो कोरोना की तीसरी लहर ज़्यादा दूर नहीं है। और जब मीडिया ने यहाँ के निगम पार्षद को जानने की कोशिश की तो उन्हें दिल्ली सरकार ने ऊपर ही सारी जिम्मेदारी डाल दी। पर कोरोना से हम सबको बचना है तो कोरोना गाइडलाइन का पालन तो करना पड़ेगा। देखिए, जो अभी गाइडलाइंस आई हैं उसके हिसाब से एक जोन में एक वीकली मार्केट लग सकता है, तो उस हिसाब से जो है बाज़ार जो है एमसीडी द्वारा लगवाए जा रहे हैं जो गाइडलाइंस हैं। तो
देखिए बिल्कुल ये बिल्कुल ध्यान देने योग्य बात है, और अगर कहीं भी साप्ताहिक बाजार में बिना मास्क के या भीड़ भाड़ करके लोग इकट्ठा हो तो उसका संज्ञान ज़रूर लेना चाहिए, और ख़ासतौर से पुलिस और इसके अलावा जो सिविल डिफेंस के जो लोग केजरीवाल साहब ने भर्ती किए हैं उनका ये काम है। केजरीवाल साहब ये जहाँ भी वीकली मार्केट्स हैं वहाँ पे सिविल डिफेंस वाले लोगों को लगाएं, और ये उनका काम है, वो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, गाइडलाइंस भी वही जारी करते हैं, तो उनका काम है कि जहाँ मार्केट्स लग रहे हैं वहाँ अपना स्टाफ लगाएं और उनको देखें कि वहाँ पर कोरोना नियमों का उल्लंघन तो नहीं हो रहा। देखिए बिल्कुल हमारी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी दिल्ली के मुख्यमंत्री की बनती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास साधन है, प्रशासन है, सब कुछ है, तो उनका काम है कि अगर उन्होंने एक गाइडलाइन जारी की है कि एक जोन में हफ्ते में एक वीकली मार्केट लगेगा तो वहाँ पर वो अपना स्टाफ जो है उसको डिप्लॉय करें और देखें कि वहाँ पर कहीं कोरोना नियमों के उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। और क्षेत्रीय विधायक की भी जिम्मेदारी है कि वो SDM साहब को सूचना दें अगर कहीं भी नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है तो। देखिए ये बहुत सोचने वाली बात है, जब नॉर्मल दिनों में सिविल डिफेंस के लोग जगह जगह खड़े होकर लोगों का चलान करते हैं, लोगों को एक तरीके से तो मैं उसको एक्सप्लॉयटेशन ही कहूँगी जो सिविल डिफेंस के लोग कई बार करते हैं, तो जहाँ पर उनकी ज़रूरत है वहाँ पर वो क्यों नहीं होते, ये हमें मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहिए, क्षेत्रीय विधायक से पूछना चाहिए कि अब कहाँ गए उनके सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स। मैंने बताया ना एक जोन में एक वीकली मार्केट लग सकता है, तो उस नियम के अनुसार यहाँ पर मार्केट लगा होगा, अगर उस नियम के अनुसार नहीं लगा है तो निश्चित तौर पर MCD को भी इसका जवाब देना पड़ेगा। देखिए मैं इसके तरफ से MCD को एक पत्र लिखकर पूछूंगी कि ये मार्केट जो लगा है वो नियम के अनुसार लगा है या नहीं, और अगर नियमों के अनुसार नहीं लगा है तो जो भी इसको लगवाने के लिए जिम्मेदार हैं उन अधिकारियों पर उचित कार्रवाई करवाने की मैं मांग करूंगी। देखिए जो गाइडलाइंस हैं वो सरकार ने जारी की हैं और उसके हिसाब से ही नगर निगम जो है वो मार्केट लगने देती है, तो जहाँ तक मुझे आशा है कि ये उन गाइडलाइंस के हिसाब से ही लगा होगा, लेकिन आपने मुझे बताया कि वहाँ पे बहुत भीड़ है और कोरोना नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है, तो इसका संज्ञान दिल्ली सरकार को भी लेना पड़ेगा, अकेले MCD को आप जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते।